गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज अ कॉस्ट. एंड इन द कॉस्ट हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट, व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड TFC एंड TVC. आज हम जो मेन जो शॉर्ट रन कॉस्ट है हमारी, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, अब हम उससे रिलेटेड आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. आज हम उसी को डायग्राम के साथ पढ़ेंगे और उसी में हम उसकी बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे. नाउ स्टार्ट. तो स्टार्ट, सबसे पहला टॉपिक है मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट. तो जिसका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता था कि इट इज द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज. ध्यान रखना, विच डू नॉट चेंज, दिस इज द मीनिंग, विच डू नॉट चेंज which do not change with the change in level of output. Done? Clear? अब इसका हम schedule बनाएंगे. Suppose got to be the output and units. Output को हम units में ले रहे हैं and the total fixed cost is in rupees. हमने स्टार्ट किया था इफ द आउटपुट इज, इफ यू प्रोड्यूस द वन यूनिट द टोटल फिक्स कॉस्ट इज द 10 रुपीज. इफ यू प्रोड्यूस द सेकेंड यूनिट, जैसे रेंट एग्जाम्पल है, अब हम चाहे एक यूनिट का प्रोडक्शन करें चाहे हम 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन करें, देर इज नो चेंज इन द टोटल फिक्स कॉस्ट. रेंट तो हमें जितना पे करना है उतना ही पे करना है, हमें परमानेंट लेबर की जो सैलरी हमें पे करनी है वो पे ही करनी है. तो सेम, इट रिमेन सेम, अगेन 10 एंड अगेन 10. तो हमें यहां पर देखा This cost does not change with the change in level of output. But sometime if output is zero, so you must pay the rent also, salary of the permanent staff also. जो आपके पास permanent staff है आपको उसकी salary pay करनी है. तो it means यहाँ पे भी ये 10 होगा. It means there is no TFC is never become zero at the zero level of output. TFC कभी भी zero नहीं होता, इतना ध्यान रखना मेरे बच्चे. अब क्वेश्चन आता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको हर कॉस्ट का मीनिंग, बिहेवियर एंड डायग्राम याद करना है. बस ये तीन चीज याद कर लो, पूरा चैप्टर थॉरो हो जाएगा. तो टोटल फिक्स कॉस्ट विच डू नॉट चेंज, इट रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड दिस एक्सपेंडिचर डन ऑन द फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब हम इसी के भ्याप पर इसका डायग्राम बनाएंगे. ऑलवेज टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी शोन ऑन द वाई एक्सिस. आपके डायग्राम्स बिल्कुल सही होने चाहिए and the output will be shown on the x-axis. Done? Units में है हमारे पास output. आपके diagrams neat and tidy होने चाहिए, labeling must है. अगर आपकी labeling में mistake है तो आपका diagram consider नहीं किया जाएगा. If output is 0, there is a total fixed cost is 10. If output is 1, total fixed cost is 10. Output is 2, total fixed cost is 10. Output is next, total fixed cost. It means if TFC remain constant, तो ऑब्वियसली TFC कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब ये क्वेश्चन, अब हम पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं, व्हाई द TFC, व्हाट इज द शेप ऑफ द TFC कर्व एंड व्हाई इट इज सो. 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द TFC कर्व एंड व्हाई इट इज सो. सिंपल आंसर, द TFC कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल इन शेप बिकॉज इट रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट. तो जितने भी 1 मार्क के ट्रिक के क्वेश्चन हो आपको सबके इसके बिहेवियर में मिलेंगे और कुछ नहीं है. तो आपको सबका बिहेवियर याद करना है. फर्स्ट, TFC कर्व इज हॉरिजॉन्टल इन शेप और यू से द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इन शेप बिकॉज इट रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट. खत्म. डन. द सेकेंड वन इज TFC कैन नेवर बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. Or and higher level of output, and higher level of output
टीएफसी हैज सम पॉजिटिव वैल्यू, टीएफसी हैज सम पॉजिटिव वैल्यू, डन एंड रिमेन्स सेम। जीरो लेवल पे टीएफसी कभी जीरो नहीं होता, जैसे हाई लेवल ऑफ आउटपुट होता है टीएफसी की कोई पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है एंड इट रिमेन्स सेम। ठीक है, सो ओनली ड्यू टू दिस रीजन टीएफसी कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, दिस इज अ रीजन। द थर्ड वन क्या है, सो टीएफसी कर्व मेक अ कर्व इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वल्स टू द टीएफसी, दिस इज वन। तो टीएफसी कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वाई एक्सिस। तो आपको बस क्या करना है, मीनिंग लर्न करना है, कॉन्सेप्ट है कि इट रिमेन्स सेम, टेक एनी वैल्यू, जरूरी नहीं आपको 10 ही लेना, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 14, टेक एनी वैल्यू एंड इट ड्रॉ इट। एंड आपको तीन पॉइंट याद है कि व्हाट इज द शेप, व्हाई इट इज सो, व्हाई दिस कर्व स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली। ठीक है, तो इस टाइप के बिहेवियर में वन मार्क्स से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब जैसे सपोज करो हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, आपका रॉ मटेरियल की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो विच कॉस्ट इज वेरीज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। तो हम यहां लिखेंगे द विच कॉस्ट वेरी विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज नोन एज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। विच कॉस्ट इज वेरीज विद द चेंज इन लेवल ऑफ द आउटपुट, ऑब्वियसली जैसे मैंने रॉ मटेरियल, हमने और ज्यादा शर्ट का प्रोडक्शन करना है तो वी नीड द क्लोथ मोर, वी नीड द थ्रेड मोर, वी नीड द बटन मोर, क्लियर हो गया। तो इट मीन्स रॉ मटेरियल की वैल्यू, रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा तो रॉ मटेरियल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। सेम इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा कंजप्शन होगा, लेकिन सबकी कॉस्ट किसमें इंक्लूड हो रही है, शर्ट में। तो सम कॉस्ट इज वेरीज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज नोन एज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेम यहां पे एक शेड्यूल बनाते हैं हम लोग, आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसे भी हम रुपीज में लेंगे, इसे भी हम यूनिट्स में लेंगे। सेम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सपोज टू बी। अब जब मैंने कोई शर्ट का प्रोडक्शन ही नहीं किया तो मेरा रॉ मटेरियल भी कंज्यूम नहीं हुआ, मेरी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगी, मेरा कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो। तो जैसे टीएफसी नेवर बिकम जीरो थी, तो टीवीसी मे बी जीरो एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, इट मीन्स देयर इज नो आउटपुट, नो वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज दिस कॉस्ट डन ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट इंक्रीज, कॉस्ट इंक्रीज। ठीक है, 5, 9, 12, 5, 4, 3, 12, now 16, then 21, then 30। अब ये मैंने कोई कॉन्सेप्ट बेस पे कॉस्ट लिए, ऐसे नहीं हम इसे ऐसे ही इंक्रीज कर लेंगे 0, 5, 7, 8, 9। एक कॉन्सेप्ट मैंने अपने माइंड में सेट किया हुआ है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है इसलिए मैंने किया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ तो दिस इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर देखते हो फर्स्ट मीनिंग, विच कॉस्ट डू नॉट वेरी विद, विच कॉस्ट इज वेरीज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, दिस एक्सपेंडिचर डन ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर इसके बिहेवियर की बात करें, इसके बिहेवियर के अभी आपके माइंड में दो पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट, इट इज जीरो एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट एंड इट इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट विद द इंक्रीजिंग इन आउटपुट, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये कभी बीच में कॉन्स्टेंट नहीं होगी, ये कभी बीच में डिक्रीजिंग नहीं होगी, इट इज द सेकेंड बिहेवियर ऑफ दिस वेरिएबल कॉस्ट, डन। तो इट इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट विद द इंक्रीजिंग इन आउटपुट। तो दो माइंड तो पॉइंट तो सेट हो गए हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, कि टीवीसी कर्व ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट होगा एंड इट इज अ अपवर्ड स्लोप, क्योंकि इसका इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है। तो कोई भी कर्व अपवर्ड स्लोप कब बनता है, जब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। हमें इसके भी आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, डन। सी है, सेम आउटपुट यूनिट्स एक्स
टोटल वेरिएबल कॉस्ट रुपीज वाई. डन हो गया. स्टार्टिंग टीवीसी स्टार्ट फ्रॉम हियर. डन. फर्स्ट ये आएगा कनकेव. इनिशियली इट इज इन द कनकेव शेप, देन इट इज इन कन्वेक्स शेप. अब व्हाट व्हाई इट इज सो, यही इसका बिहेवियर में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. अभी हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे कि इट इज जीरो एट द जीरो लेवल फॉर आउटपुट, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट. इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद द ऑलवेज इंक्रीज इन आउटपुट. इट मीन्स पॉजिटिव स्लोप हो गया. ठीक है, तो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि व्हाई द टीवीसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज जीरो. व्हाई इट इज एन अपवर्ड स्लोप, बिकॉज इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन आउटपुट. ये बात दो माइंड में सेट कर लो. तो पहले हम स्टार्ट कर यही लिख देते हैं बिहेवियर. टीवीसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इट इज जीरो. This is the first behavior. The second behavior, TVC is upward sloping. TVC is upward sloping because it increases with increase in output. With इंक्रीज इन आउटपुट लेवल. तो ये दो बिहेवियर आपको क्लियर हो गए. द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि शेप चेंज हुए. फर्स्ट इट इज कनकेव, अप टू द पॉइंट इट इज अ कनकेव, नाउ इट टर्न्स इनटू द कन्वेक्स. डन. तो टीवीसी कर्व इज फर्स्ट कनकेव अप टू द पॉइंट एम एंड देन बिकम कन्वेक्स एंड इट इज अपवर्ड राइजिंग थ्रू आउट. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन and on the behalf of this curve is becoming the inverted S shape. This is a inverted S, जैसे like बोलते हैं ना inverted S. तो this is in the inverted S shape. अब why it is the inverted S shape? Why पहले concave क्यों है बाद में convex? Because initially TVC is always increasing at the diminishing rate. यहां से लेके यहां तक TVC diminishing rate से बड़ा है. See schedule. पहले कितनी cost increase हुई? Only 5 rupees. फिर कितनी increase हुई? Increase हुई बट only 4. गैप कम हो गया. फिर कितनी गैप कम इंक्रीज हुई? ओनली 3 रुपीज. तो ये गैप अगर रिड्यूस हो रहा है, पहले 4 रुपीज 5 रुपीज देन 4 रुपीज देन 3 रुपीज, इट मीन्स टीवीसी इज इंक्रीजिंग बट एट द डिमिनिशिंग रेट. आफ्टर दिस अगेन 4 रुपीज, अगेन 5 रुपीज, अगेन 9 रुपीज. तो टीवीसी इज इंक्रीजिंग बट जो बीच का गैप है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज. ठीक है, तो ये हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है. इसका यहां तक बोलेंगे इट इज इंक्रीजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट, यहां से यहां तक बोलेंगे इट इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट. अब व्हाई इट इज, ऐसा क्यों होता है? तो पहले हम बिहेवियर में लिख लेते हैं. इट इज इनवर्टेड एस शेप, इनवर्टेड एस शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अभी बात इसको एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. जस्ट आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, इनिशियली इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. ठीक है, अब वाई इट इज सो, क्वेश्चन ये है वाई द टीवीसी. ये जस्ट बिहेवियर में तीन चीज लाइन करनी है. वेयर फ्रॉम वेयर द टीवीसी कर्व स्टार्ट, व्हाट द शेप ऑफ द टीवीसी, ऑलवेज अपवर्ड्स स्लोप बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग आउटपुट एंड इट इज एन इन्वर्टेड एस शेप ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिकॉज इनिशियली इट इंक्रीजेज विद द डिमिनिशिंग रेट देन इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग रेट. अब ये 3 मार्क्स का स्पेशल क्वेश्चन है, why the TVC curve become in the inverted S shape. अगर 3 मार्क्स में स्पेसिफिक आएगा तो आपको ये पॉइंट फिर एक्सप्लेन करना है. जब पूरा बिहेवियर आया, बिहेवियर ऑफ टीवीसी, तो आपको यहीं बस डायग्राम बनाना है,
ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, यू स्कोर, यू विल गेट द फुल मार्क्स. बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, वाई द टीवीसी इन द इन्वर्टेड एस शेप. तो स्टार्ट करते हैं. द टीवीसी कर्व हैज द टू फेजेस, देयर आर द टू फेजेस इन द बिहेवियर ऑफ द टीवीसी. ठीक है, जो फर्स्ट फेज है, यहां से लेके यहां तक फर्स्ट फेज है, यहां से लेके यहां तक सेकेंड फेज है. इन द फर्स्ट फेज टीवीसी राइजेज एट डिमिनिशिंग रेट. इट मीन्स एवरी न्यू यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, हम ये बात करते हैं, एवरी न्यू यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन्वॉल्व्स अ लोअर कॉस्ट. अब मैम क्यों, जब हम कोई भी नई यूनिट का प्रोडक्शन करें तो शुरुआत में लोअर कॉस्ट क्यों आ रही है? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल. हमने यहाँ पे पढ़ा ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टार्टिंग में क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों था? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. तो जब शुरू में फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा था और वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही थी, तो उसके कारण हमारी हर यूनिट का जो कॉस्ट आ रही थी ऑब्वियसली लोअर पे चली जाएगी. तो सीधी सी बात है, एवरी न्यू यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन्वॉल्व्स अ लोअर कॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन द एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल इनपुट ड्यू टू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर. वही जब डिवीजन ऑफ लेबर हो गया था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर हो गया था, तो वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी. और जब वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई थी तो प्रोडक्शन भी क्या हो गया था? ज्यादा बढ़ गया था और कॉस्ट हमें कम आ रही थी. तो इसलिए टीवीसी इनिशियली इंक्रीज एट द डिमिनिशिंग रेट. लेकिन आफ्टर वन टाइम, इट मीन्स आफ्टर अ सर्टेन लेवल टीवीसी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग रेट. इट मीन्स दैट एवरी न्यू यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एज ए हायर कॉस्ट. अब वो हर यूनिट को प्रोडक्शन में हमें ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस यूनिट. वाई? बिकॉज दिस इज एन अकाउंट ऑफ फॉल इन द एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल इनपुट. क्योंकि धीरे धीरे वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी क्या हो रही है? कम होती जा रही है ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज होती है, यहाँ पे हमारी कॉस्ट कम आती है. ठीक है, क्योंकि यहां से लेके स्टार्टिंग में इनिशियली ऑलवेज वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इसके बाद वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी कम होने लगती है ड्यू टू द ओवर बर्डन ऑन द फिक्स फैक्टर्स. तो दिस इज द मेन आंसर. डन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ कम टू द थर्ड कॉस्ट, द मेन कॉस्ट, दैट इज द टोटल कॉस्ट. ठीक है, द मेन वन इज द टोटल कॉस्ट. अब सब वापस एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आउटपुट यूनिट्स टोटल फिक्स कॉस्ट रुपीज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट रुपीज. इफ वे प्रोड्यूस नो यूनिट्स तो टीएफसी रिमेन्स हैज सम पॉजिटिव वैल्यू बट टीवीसी एट द टाइम जीरो. अगेन आई प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, आई प्रोड्यूस मोर यूनिट्स. डन, क्लियर. नाउ टीएफसी रिमेन्स सेम, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट टीवीसी इज इंक्रीजिंग. Initially, it increases with the diminishing rate, and later on, it is increases in with the increasing rate. Done. अब हम example लेते हैं. अगर ये एक pen है, इस pen के production में, one unit के pen के production में total fixed cost is 10, and the total variable cost is 5. तो what is the total cost of this pen? The total cost of this pen is rupees 15. Again, I produce one more pen. हमने टू पेन का प्रोडक्शन किया. इन दोनों पेन के प्रोडक्शन में टोटल फिक्स कॉस्ट इज सेम 10, बट रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंक्रीज हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज. नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टोटल पेन? 10 प्लस 9 मीन्स 19. तो हाउ वी कैलकुलेट द टीसी? ओनली द समेशन ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इट इज जस्ट मीनिंग इट इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी. देन इट इज द सम ऑफ द टीएफसी एंड द टीवीसी. क्लियर हो गया. इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. और यू से द अदर डेफिनेशन इज इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म incurred by a firm on factors of production
एंड नॉन फैक्टर्स इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी डन 15, 19 नेक्स्ट 22, 26, 31, 40 एंड 50 डन तो सिंपल है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इट इज द सम टोटल ऑफ द टोटल फिक्स्ड एंड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट और यू से इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा है ये हमारा नॉन फैक्टर इनपुट्स पे खर्चा है एंड दोनों का सम टोटल हमारा टोटल कॉस्ट है अब इसी का मेन बिहेवियर क्या है व्हाट इज द मेन थिंग इन दिस कि टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो नेवर बिकम जीरो टोटल कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं होगी क्यों इट इज द सम टोटल ऑफ दिस सो इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द टीएफसी इट इज ऑलवेज इज इक्वल टू द टीएफसी बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ दिस तो इट मीन्स टीसी का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी एंड टीवीएफसी कभी भी जीरो नहीं होता इट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट तो इट मीन्स एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी ऑलवेज इज इक्वल टू द टीएफसी क्लियर हो गया यहां तक कोई डाउट किसी को यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा सेम अब इसी का डायग्राम इसी के बिहार पर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे सेम नाउ वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नाउ आई एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ द टोटल कॉस्ट का द टोटल कॉस्ट विल बी शोन ऑन द वाई एक्सिस एंड द आउटपुट विल बी शोन ऑन द एक्स एक्सिस वंस अगेन ठीक है नाउ सेम अब हम यहां पर फोकस करते हैं अगर आपको शेड्यूल पे फोकस है कॉन्सेप्ट पे फोकस है तो यू इजिली ड्रॉ द डायग्राम सेम फ्रॉम वेयर द टी सी स्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस अब एनी पॉइंट कौन सा जहां से टी एफ सी स्टार्ट होगा ध्यान रखना अब मैं ओनली टी सी का डायग्राम बनाऊंगी तो टी सी कर्व एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द टी सी कर्व स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वाई एक्सिस जहां से वाई एक्सिस की किसी पॉजिटिव वैल्यू से टी सी कर्व स्टार्ट होगा सी है ये वैल्यू तो इसमें कॉन्स्टेंट है बट इट इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट तो आखिर ये जो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू वॉट रीजन ओनली द ड्यू टू द टीवीसी रीजन ध्यान से सुना मेरे बच्चों को टीसी इज इंक्रीजिंग आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बट इसमें टीएफसी की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है तो आखिर 10 से 15 हुआ 15 से 19 हुआ ड्यू टू वॉट रीजन ओनली द ड्यू टू द टीवीसी इफ टीवीसी 5 रुपीज इंक्रीज हुआ तो आपने फोकस किया देखा टीसी भी 5 रुपए ही बढ़ा अगेन टीवीसी मेरा 4 रुपीज इंक्रीज हुआ तो मेरा टीसी भी 4 रुपीज ही इंक्रीज हुआ अगेन मेरा टीवीसी ओनली 3 रुपीज इंक्रीज हुआ तो मेरा टीसी भी 3 रुपीज इंक्रीज हुआ फिर मेरा टीवीसी 4 रुपीज बढ़ गया तो मेरा टीसी भी 4 इट मींस यहां से लेके यहां तक द टीसी और टीवीसी बोथ आर इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट तो अप टू विच लेवल अप टू व्हाट लेवल जो भी एक सर्टेन लेवल तक टीवीसी इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो टीसी भी वहीं तक डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा क्योंकि टीसी इज इंक्रीजिंग ओनली ड्यू टू द टीवीसी एंड आफ्टर दिस लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग रेट तो टीसी ऑलवेज स्टार्ट ऑल्सो स्टार्ट विद द इंक्रीजिंग रेट तो अगर ये डायग्राम इन्वर्टेड एस शेप था तो इट इज ऑल्सो इन द इन्वर्टेड एस शेप अगर ये इन्वर्टेड एस शेप बना था तो इट इज ऑल्सो द इन्वर्टेड एस शेप इसका जो रीजन बताया मैंने ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो इसका भी सेम रीजन है ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बट एक स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस रखना पड़ेगा यहां पे टीवीसी जीरो से स्टार्ट था यहां पे टीवीसी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा तो टीसी हमारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा सी है अब मैंने टीसी को यहां पे ड्रॉ किया देन और मैंने कहा एक सर्टेन लेवल तक सपोज इस सर्टेन लेवल तक अगर इस लेवल ऑफ आउटपुट TC is increasing with the diminishing rate, then it increases with the increasing rate. This is the diagram of the TC. Both are same. See here. See this one and see this one. But it start from the origin. It start from the y-axis. Any positive value of the y-axis. Then, जहाँ से TC started, तो इसका भी same behavior. इसके behavior में भी same points हैं. The first one is TC is upward slope.
ठीक है, अपवर्ड स्लोप बिकॉज बिकॉज इट इंक्रीजेस, इट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन आउटपुट. डन, क्लियर. नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा, एनी पॉजिटिव टीसी कर्व स्टार्ट, टीसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव रेंज ऑफ y एक्सिस एंड द थर्ड बिहेवियर इज द टीसी इज इनवर्टेड एस शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इस चैप्टर में बेटा आप लोगों को कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको केवल हर कॉस्ट का मीनिंग, शेड्यूल, डायग्राम एंड बिहेवियर लर्न करना है. इसी से आपको चैप्टर थोरो हो जाएगा. डन है बेटा? ओके.